एक जगह से दूसरी जगह के लंबे सफर के लिए हम अपनी मनपसंद सवारी का इंतख्या करते हैं इन सवारियों में मोटर बाइक कार बस और दूसरी सवारियां हो सकती हैं। किसी भी तरह की गाड़ी पर सफर करने के लिए ट्रैफिक से जुड़े सभी कानून और हिदायात पर अमल करना हम सबका फर्ज है ताकि अपनी जान और माल की हिफाजत के साथ साथ सड़कों पर चलने वाले दूसरे लोग भी महफूज रह सके इसी जिम में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 पेश किया गया था जिसमें सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के तमाम के पहलुओं को मुनजम करना था इस एक्ट में ड्राइवर्स कंडक्टर्स की लाइसेंसिंग मोटर इंश्योरेंस व्हीकल रजिस्ट्रेशन कंट्रोलिंग परमिट्स और जुर्माने से जुड़ी दफात शामिल थी बढ़ते हुए ट्रैफिक के साथ साथ हादसात की तादाद में इजाफे के पेश नज़र भारत सरकार ने ट्रैफिक नियमों को मजीद सख्त बनाने की तरफ तो और मोटर वहीकल बिल 2017 में ट्रैफिक के मुख्तलिफ जरा के लिए सख्त सजा की तजवीज पेश की आगे चलकर 2019 में वहीकल एक्ट को जदीद मैार के मुताबिक बढ़ाने और जुर्मानों में इजाफे के साथ मोटर वहीकल अमेंडमेंट एक्ट दो पेश किया गया जिसमे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने आरोप सेक्शन एक के तहत 500 की जगह 5000 का जुर्माना कर दिया गया जबकि नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर सेक्शन एक के तहत 2000 से बढ़ाकर जुर्माना दस हजार कर दिया गया इसके अलावा दीगर जुर्मानों की एक तवील फहरिस्त है इसके साथ ही अगले ही साल भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की जानब ऐसी एक कानून पास किया गया जिसमें ट्रैफिक ऑफिसर के सामने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आरसी, इंश्योरेंस पेपर पॉल्यूशन वगैरह पेपर की शक्ल में पेश करना लाजमी नहीं रहा बल्कि अपने मोबाइल के जरिए आप इन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी दिखाकर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को मुतमीन कर सकते हैं याद रहे मुल्क में ट्रैफिक से जुड़े जितने भी कवायद और जबते तश्ल दिए गए हैं उन सभी से वाकिफ होना और उन पर अमल पैरा होना हर शख्स का फर्ज है ताकि एक दूसरे की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके नाजरीन आदाब इस्ते है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आईन और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान अपना मुल्क अपना आइन की इस पचासवीं पेशकश में हम बात करेंगे आज उस कानून की जिससे हमारा हर रोज सामना होता है उन रूल्स की जिनका पालन ना करने की वजह से लोगों की जान चली जाती है जी हाँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक सन दो हजार इक्कीस में तकरीबन एक लाख पचपन हजार लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए यानी हर रोज 426 लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में इसलिए हम सब लोगों के लिए जानना जरूरी है कि क्या है ट्रैफिक रूल्स और क्या है आपके लीगल राइट्स आज इस मौजू पर हम बात करेंगे इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की मारूफ वकील मोहतरमा अंजलि चौहान साहिबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डीसीपी ट्रैफिक साउथ एंड साउथ ईस्ट दिल्ली जनाब सौरभ चंद्रा साहब इन दोनों के अलावा हमारे साथ आज स्टूडेंट की भी एक खासी तादाद मौजूद है आप सभी का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तेकबाल है मेरा पहला सवाल अंजलि जी आपसे कि जब हम बात करते हैं ट्रैफिक कानून की जो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है मुद्दा हमारे देश में ट्रैफिक कानून की कब ज़रूरत महसूस की गई और कब लाया गया कानून ट्रैफिक कानून की हमारे यहाँ जरूरत 1988 में पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया एम वी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लागू हुआ है एक जुलाई 1989 में कि ट्रैफिक रूल्स बनाए जाएं जो भी वायलेशन हो रहे हैं और कोई भी क्राइम है कंट्रोलिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इसके लिए कानून बनाया गया जब वायलेशन की बात आती है किसी भी कानून की बात आती है तो उसमें सबसे पहला यानी कानून और लोगों के बीच में जो सबसे पहली चीज़ आती है तो पुलिस आती है आज हमारे साथ डीसीपी सर मौजूद हैं सर कहाँ सबसे ज़्यादा वायलेशन सामने आता है आखिर लोगों की तरफ से वायलेशन तो कमो सभी फ्रंट पे हैं बट जो सबसे ज़्यादा हताहत की संख्या है वो पेटेस्टेरियंस की है तो पेटेस्टेरियन तो के बाद जो टू व्हीलर्स हैं उनके साथ है और उसके बाद जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके द्वारा की गई घटनाएँ हैं तो बेसिकली ये मान के चला जा सकता है कि टू व्हीलर्स सबसे ज़्यादा वायलेट करते हैं और रेगुलेशन और प्रोजिक्यूशन जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक पुलिस का तो हम इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं इनिशियली मैडम जब हमने उन्नीस में क़ानून बना 1989 में लागू हो गया उसके बाद देश ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है यहाँ तक कि पहले उस वक्त में एटीज़ में इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी जितनी साल दर साल बढ़ती चली गई तो उनको जरूरत को उसको ध्यान में रखते हुए कि, कितनी कुछ तब्दीलियाँ की गई क्या अमेंडमेंट्स किए गए अब तक अमेंडमेंट तो रूल्स में बहुत बार हुआ है लेकिन जो ख़ास तौर पे सबसे पहला जो 2017 में अमेंडमेंट हुआ जो स्पेसिफाई है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल कि कोई भी जो व्हीकल रोड पे चल रहा है रजिस्टर होना चाहिए पहले क्या होता था गाड़ी लोग बुक करा लेते थे नंबर अपनी मर्जी से ले रहे हैं बाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा है दो के बाद तो एक कंपलसरी हो गया कि मोटर व्हीकल एक्ट ना दो हज़ार के अंदर आपको पहले अपना रे, व्हीकल रजिस्टर कराना ज़रूरी है फिर और भी वॉयलेशन पर जैसे हिट एंड रेन के लिए बताऊंगी मैं और या ड्रिंक एंड ड्राइव का कि पहले से प्रावधान थे कि पाँच सौ रुपये है फ़ाइन और आपके लिए मतलब जेल का भी इतना प्रावधान नहीं था बाद में इसको बढ़ाया गया कि आज जो है 2020 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव में दस हज़ार रुपये चलान है और उसके साथ दो साल की सज़ा भी अगर आप नहीं फ़ाइन पे करते हैं तो सौरभ जी क्या जुर्माना बढ़ा देना काफ़ी है या जुर्माना बढ़ाने के बाद आपको लगा आपने अपने तजुर्बा किया कि वाकई जो ट्रैफिक का वायलेशन है उसके अंदर कुछ कमी आई ये लोग है लोग डरे हैं नहीं सिर्फ जुर्माना बढ़ा देने से इस समस्या से छुटकारा पाना मुश्किल है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों तीनों तरह के काम करती है एक तो जो सरकार के द्वारा जो जुर्माने की राशि तय की गई अमेंडमेंट के द्वारा एक तो हम वायलेशन होने पर प्रोजीक्यूट करते हैं इसके अलावा जन जागरण का भी जो जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस की है और हम नुक्कड़ नाटक से और ट्रैफिक अवेयरनेस की प्रोग्राम्स कॉलेजेस के ऑडिटोरियम में और भी पब्लिक प्लेसेस पर जहाँ पर ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ पर हम अपने पुलिस टीम के द्वारा लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करते हैं स्कूलों में लेक्चर्स करते हैं जिससे कि ट्रैफ़िक सेंस एज़ ए होल बढ़े और दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके मैडम दुर्गाहों जितनी भी दुर्घटना होती है उस पर काबू पाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है लेकिन अगर कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है हाँ जी तो उस रोड, रोड एक्सीडेंट के हो जाने पर जो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है वो क्या करें जिसका एक्सीडेंट हो गया है अगर उसको कोई गाड़ी से हिट करके चला गया उसको कोई मार करके चला गया तो सबसे पहली उसकी प्राथमिकता क्या है ट्रैफिक पुलिस तो हर जगह होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए फिर भी वो सौ नंबर पर कॉल करके वहाँ पर पी बुला सकते हैं अपनी कंप्लेट फाइल करें और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन फॉर पुलिस आगे कई प्रतिक्रिया करती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी एफ दर्ज होती है जीरो पर क्या सर एफ उसकी इमीजिएट अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले उसकी एफ दर्ज होगी या पहले उसका मेडिकल चेकअप होगा नहीं जैसा कि आपने इससे पहले पूछा कि जब किसी के साथ दुर्घटना घटित हो जाती है तो प्राइमा फेजी प्रथम दृष्टिया जिस किसी भी हॉस्पिटल को नियरेस्ट विसिनिटी में है वो उसको एडमिशन को मना नहीं कर सकता एंड दैट हॉस्पिटल विल हैव टू गिव द ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद जूरीडिक्सन जहाँ का होता है तो आर का एम बनाया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एज टोल्ड बाई एनी आई विटनेस और यदि कोई आई विटनेस नहीं है तो जो इंजर्ड को देखकर लगता है मौका के मुलाजा से लगता है कि दुर्घटना रोड पर घटित हुई है तो कंसर्न जुरिडिक्शन के पुलिस स्टेशन को हॉस्पिटल ही सूचित करती है ड्यूटी ऑफिसर्स के थ्रू फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन से इन जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो आएंगे वो इसकी घटनास्थल का मुआयना करके पीड़ित यदि फिट टू स्टेटमेंट है तो उसका स्टेटमेंट ऑपटेन करेंगे और जैसा भी स्टेटमेंट मिलेगा और जो चोट के बारे में जो डॉक्टर साहब एम पर बताएंगे इस दोनों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया जाता है आपने जिस तरीके से बात की चश्मदीदियों को ढूंढने की कोशिश की जाती है या मौके वारदात पर कोई ऐसा आदमी मिल जाए या किसी ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया एक डर था लोगों में पहले और अब भी है उस डर को दूर करने के लिए आपने क्या किया क्योंकि लोग डरते थे किसी को भी हॉस्पिटल पहुंचाने में कि कहीं हम ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना फंस जाएं और हम कितने चक्कर लगाएंगे उसको डर को दूर करने के लिए अब तक पुलिस क्या कर नहीं इसके लिए जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं हम लोगों ने कई बार लोगों को सम्मानित किया है इस चीज़ के लिए जिन्होंने दुर्घटना के वक्त दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाया है सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं सोशल मीडिया से इसकी पब्लिसिटी की गई है कि जिन लोगों ने जिसकी जान की रक्षा के लिए एफर्ट किए उनको हम किसी भी तरह से परेशान नहीं करते दूसरा मैडम लॉकी बहुत बड़ी जानकार हैं जो चार्जशीट होती है उसमें उस व्यक्ति का रोल कोई ज़्यादा खास नहीं होता ये एक महिमा मंडित कर दिया गया बहुत पहले से चलता आ रहा है कि तुमने पहली बार देखा है इस तरह से वो एक रूटीन एक फॉर्मल विटनेस है जो कि सिर्फ उसको ले के जाता है वहाँ पर कोर्ट में कोई इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हमने अपने सभी जुडिडिसन के सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इस बात के लिए अच्छे से, से सेंसिटाइज़ कर रखा है कि जो भी व्यक्ति ये नेक काम करता है उसको मिनिमम परेशानी हो इस बात के पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस इस बात को ध्यान में रखती है लेकिन उसके बावजूद भी सर इस तरह के केसेस सामने आते हैं जो डार होती है उसको सबमिट टाइम पर नहीं हो पाती जो आईओ होता है वो नहीं समय पर सबमिट कर पा रहा है उसके क्या रीजन ऐसे हो जाते हैं कि उसको रिपोर्ट को विद इन टाइम क्यों उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं डार नहीं अब ऐसी बात नहीं ये पहले की बात थी जब थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा था अब ट्रैफिक पुलिस के एफर्ट्स के कारण लोकल पुलिस के एफर्ट्स के कारण दुर्घटनाओं में भी थोड़ी सी कमी आई है हताहतों की संख्या में भी कमी आई है 2020-2019 के हिसाब से तो डार के जो फॉर्म देखेंगे आप तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आईयो को उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिकुलेटेड टाइप में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बट सीनियर ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग सेसन्स करके और लैटरल मीटिंग्स करके ये सुनिश्चित किया है कि मैक्सिमम केसेस में डार हम कंप्लीट टाइम पर दें इसके अलावा रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है ट्रैफिक पुलिस पे वो दुर्घटना जहाँ घटित होती है वहाँ पर पूरी टीम पहुँचती है कोई फैटल होता है तो हम हम सारे लोग भी पहुँचते हैं वहाँ पर और हम उसको पूरी तरीके से मुलाजा करते हैं लोकल पुलिस के अलावा भी कि इसमें क्या रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कोई फॉल्ट था या फिर ये हिट एंड रन था या फिर ये किसी और कारण से हुआ था यदि कुछ इस तरह की बात सामने आती है हमारी या लोकल पुलिस खासकर ट्रैफिक पुलिस की तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को इस बात के लिए लिखते हैं पी हो या कोई एम हो कि इस दुर्घटना के लिए हमें प्रथम दृष्टया ये रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जो है ये बनावट ठीक नहीं लगी है और इसको आप कृपया करके ठीक करें उसको ठीक किया जाता है तो एक प्रोसेस बना के उसको हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर मैडम क्या सिर्फ ठीक किया जाना जैसे अगर रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग में कहीं ख़राबी पाई गई कहीं कोई मिस्टेक पाई गई है क्या सिर्फ उनसे यही कहा जा सकता है कि उसको ठीक किया जाए या उन पर कोई जुर्माना भी डाला जा सकता है सिचुएशन में मतलब हमें लगता है जुर्माना जैसे अभी कैमरा का प्रावधान है 2020 से कि हर एक रोड पे कैमरा आप देखेंगे कैमरा चलती नहीं है जब भी ये किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर कैमरा ढूंढा जाता है पता लगता है तीन महीने से ख़राब है या उसके बारे में फिर रिपोर्ट होती है तो ये प्रतिक्रिया बढ़ती रहती है ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम करती है वकीलों के लिए जब हमारे पास इस तरह के केस आते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं अक्सर जो केसेस होते हैं जिसके अंदर किसी ने किसी को हिट किया मारा या भाग गया वहाँ से और उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में सजा कितनी है सामने वाले के लिए जिसने ऐसा किया उसके कानून के मुताबिक सजा तो सिर्फ दो साल है पर वो कम उसके जो लीगल हायसे वो कम्पनसेट हो सकते हैं पहले प्रावधान था पच्चीस हजार रुपये का अब दो लाख रुपये उनको कम्पनसेट कर देते हैं तो ये इन्होंने बस अमेंडमेंट करा है बाकी दो साल की सज़ा के बाद वो छूट जाता है ये दो साल की सजा क्या नॉन अवेलेबल है या अवेलेबल है अवेलेबल <laughs> है अच्छा ये भी अवेलेबल है आपको लगता है कि आज के जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और अगर किसी का कोई एक परिवार का एक सदस्य किसी रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो क्या ये दो साल की सजा और वो भी अवेलेबल मुझे लगता है, है या इसके अंदर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मुझे लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कितना आपको अभी एक रिसेंटली मैंने एक केस किया था वो इक्कीस साल का लड़का था एयरपोर्ट पे जॉब करता सुपरवाइजर तो जब जा रहा था वहाँ पूरी रोड से तो एक लड़की ड्रिंक थी उसने अपना मतलब इलीगल मतलब रॉन्ग वे में गाड़ी चला रही थी और उसने हिट किया स्कूटी पे था ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिल गया मगर वो भी ढाई साल बाद मिला है कंपनसेशन मगर उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट तो कुछ बचा नहीं और लड़की को वहीं के वहीं साथ के साथ ही उसको बेल मिल गई थी तो कंपनसेशन के लिए अभी आपने बताया कि उसके अंदर भी दो लाख रुपए मुआवजा है तो ये मैक्सिमम है उसमें भी बहुत कोर्ट के कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि उसको कम कम और ज्यादा 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 कर कर सकते हैं आ, कर सकती है है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा होगा सर सबसे समस्या कहां आती है क्योंकि सबसे पहले आप वास्ता आपका पड़ता है अगर कोई ट्रैफिक वायलेट कर रहा है कहीं भी जा रहा है सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आती है आपको लोगों को समझाने में कहा लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज भी जो पीक आवर्स का टाइम है जहाँ पर आप जानते हो कि दिल्ली जैसी महानगर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पोरस बॉर्डर्स हैं लोग एन में रहते हैं दिल्ली में नौकरी करते हैं दिल्ली में रहते हैं एन में नौकरी करते हैं और कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो कि साइकिल से जॉब करते हैं और मेजॉरिटी पोर्सन जो है वो टू व्हीलर से सफ़र करती है दिल्ली से बाहर या दिल्ली के अंदर भी तो व्हीकल एक करोड़ के लेवल को क्रॉस कर चुका है दिल्ली का दिल्ली का रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो है तो जो प्री पॉन्ड्रेंस है व्हीकल के ज़्यादा होने का वो सुबह सात साढ़े सात से लेकर दस साढ़े दस और शाम को फिर जब ऑफिस छूटने का टाइम होता है शाम के पाँच साढ़े पाँच से ले कर साढ़े आठ नौ बजे इस दौरान भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा सब्र लोगों के अंतर कम हो जाता है कभी कभी वो रेड लाइट जम्प करने की चेष्टा करते हैं कभी कभी उनको लगता है कि जब उनका टर्न नहीं है तो भी निकल जाएँ जो जेबरा क्रॉसिंग है जो स्टॉप लाइन है उसको इग्नोर करने की चेष्टा होती है पर ट्रैफिक पुलिस का मैनूवरिंग है ट्रैफिक पुलिस चाहती है इस बात के लिए और दो तरह के चलान हमने इसके लिए शुरू कर दिया है जी एक तो ई चलान है जो मशीन के द्वारा सामने से चलान करते हैं हम एक कॉपी दी जाती है एक कॉपी अपने पास रखते हैं ट्रैफिक पुलिस और दूसरा एक है वो का कि वोलेशन ऑन कैमरा ऐप तो उसमें हमारे जो ट्रैफिक के सेंटिनल्स हैं जो भी चलान करने वाले लोग हैं उनके मोबाइल में ये ऐप है तो हम इस बात की चेष्टा करते हैं कि जो बिजी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर प्रोजीक्यूशन हम ना करें जिससे कि और भीड़ ना बढ़े जी तो सभी तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों की ट्रैफिक की समझ को और बढ़ाया जाए प्रोजीक्यूट करके भी और रेगुलेट करके भी यानी लोग उस वक्त ज़्यादा एहतियात करें जो पी कार्ड हैं वो खुद भी अपने आप को बचाने हाँ, के लिए मेहनत करें। इसमें होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम निकल जाएं बट उसको निकलने के लिए दस गाड़ियाँ और फंस जाती है तो ये एक जो सेंस है ट्रैफिक का सेंस वो डेवलप हो रहा है और थोड़ी से टाइम लगेगी डेवलप होएगा यानी सेंस का डेवलप डेवलप होना हाँ, हो रहा है एक एक बड़ा एक आ, आ, मैंने देखा है अक्सर मामला सामने आता है कि कहीं पर भी अगर कोई पुलिसकर्मी किसी को हाथ देते हैं और उसको रोकने के बाद उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं तो ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे क्या ये उचित है या कानून के मुताबिक है या ऐसा नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है और जितनी भी ब्रीफिंग होती है पुलिस ऑफिसर्स जो भी ब्रीफिंग लेते हैं हमारे ट्रैफिक स्टाफ की उसमें ये ब्रीफिंग पॉइंट नंबर वन होता है इतना ही नहीं हम अपने पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे ट्रैफिक के हैं जो चलान एग्जीक्यूट करने के लिए फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनको हम ये भी कहते हैं कि बी कर्टियस बट बी फर्म साइमल्टेनियसली तो और तीसरी बात हम उन्हें ये समझाते हैं यदि कि आर्गूमेंटिव नहीं होना है और इफ़ दे आर गोइंग एंड डूइंग द चलान्स एंड कोई उनके साथ आर्गूमेंटेटिव होने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव प्रोवाइडेड देम विथ कैमराज और वो कैमरा को ऑन करके उसकी रिकॉर्डिंग करने की हम हिदायत देते हैं तो ये सारी चीजें कर करा के हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत ना आए और रेगुलेशन भी हो प्रोजिक्यूशन भी हो और सब लिटरेसी, लिटरेसी ट्रैफिक लिटरेसी भी बढ़ती चली जाए बहुत खूब अब अपने इस सेशन को हम क्वेश्चन आंसर की तरफ लेकर के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास लॉ के स्टूडेंट भी हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या उनके सवाल हैं वो किससे सवाल पूछना चाहते हैं सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आपके क्या सवाल हैं

तो उसको किस तरह हम कानून के मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश करें अंजलि जी जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो उससे पहले एक इंटरव्यू होता है उसमें हमें सब पहले ही बताया जाता है कि हमें गाड़ी किस तरह चलानी है कहाँ पर रोकनी है सारे ट्रैफिक रूल्स समझाए जाते हैं हॉर्न कब देना है और मतलब कोई इंडिकेटर कब देना है ये सब हमें पहले ही समझाया जाता है मगर जानकर भी फिर लोग उसको अवॉइड करते हैं वैसे ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए दो तीन स्टेप उठा रखे हैं पहला तो हम इसको आर सी वायोलेसन के कैटेगरी में डालते हैं जिसमें कि फाइव थाउजेंड का चलान है यदि आप प्रेशर हॉर्न्स का यूज़ करते हैं दूसरा साइनेज़स का भी यूज़ करते हैं हम जहाँ पर कि नो हॉकिंग जोन है और नो हॉकिंग जोन में आप बजाएँगे फाइव थाउजेंड चलान कर, किया जाएगा और इसके अलावा हम रेगुलर अवेयरनेस करते हैं इस मामले में कि हॉस्पिटल्स स्कूल्स इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इस तरह के हॉन्स का प्रयोग ना करें हेलो सर हेलो मैम मेरा नाम यज्ञेश है मैं जामिया से लॉ स्टूडेंट हूँ Uh, मेरा सवाल आप दोनों ही से है कि ट्रैफिक रूल्स के तहत जो हम अपने ऑफिशियल्स को जो पावर्स दे रहे हैं जो रूल्स बना रहे हैं और जो सिविलियंस के राइट्स हैं इन पर कैसे बैलेंस किया जाए सर मैम बहुत खूब थैंक यू यहाँ मैडम लीगल राइट्स की बात आ जाती है <laughs> जहाँ इंसान को ये लगता है कि ये तो कानून इन्होंने अपने मुताबिक बना दिया और हमारे राइट्स कहाँ चले गए तो ये बहुत अहम हो जाता है इनको बैलेंस करना किस तरह से बैलेंस किया गया है और आगे किया जाना चाहिए एक एग्ज़ाम्पल हिट एंड रन केस का है जैसे फुटपाथ पे लोग सोए होते हैं तो कुछ लोग ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा राइट इनका राइट नहीं है कि फ़ुटपाथ पे सोए तो यहाँ पे भी इलीगल है वो भी जो फुटपाथ पे सोए हैं तो उनको ये थोड़ी ना आप जाकर मार देंगे ये भी तो इलीगल थिंग है ना कि आप वहाँ पर जाकर उनके लिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दें या उन्हें जान से मार दें तो ये कंट्रोल करना तो बड़ा ही मुश्किल है दोनों को क्योंकि अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है सबको सबको पता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और सबको पता है गाड़ी कैसे चलानी है अब यंगस्टर्स हैं बिना हेलमेट के चलाते हैं फिर बाद में कहा जाता है पुलिस वाले गलत हैं और वो हमसे इस तरह डिमांड कर रहे हैं हमारा गलत चलान काट दिया तो एक जैसे एज बार दी हुई है हमारे मोटर वाइकल एक्ट में कि सेक्शन और चार में बताया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस जब तक नहीं है वहीकल नहीं चला सकते फिर भी वो चला रहे हैं अधिकार की बात हम तब करेंगे पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी तभी पुलिस भी हमारी मदद कर पाएगी और ट्रैफिक वायलेशंस भी और हम वायलेट करने वाले के अधिकारों से ज्यादा हमें चिंता उन लोगों की भी है कि जो उसकी जद में आ सकते हैं वो भी हमारे देश के नागरिक है इसी छोटा सा एक स्मॉल रिएक्शन सर से लेना चाहूंगा मैडम की बात को ही हीट करूंगा कि क्रिमिनल जूरप्रस का पहला अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ आपका नहीं है और अब ये इंडिया जो है वो 1980 से पहले का इंडिया नहीं है सोशल मीडिया का बहुत अच्छा भी डेवलपमेंट है सोसाइटी के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैडम ने बताया तो चीज़ें पता है लोगों को जब सबसे बेसिक बात है कि माइनर ड्राइविंग माइनर को यदि हाथ में मोटरसाइकिल टू व्हीलर खासकर दे दिया आपने या फोर व्हीलर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई दुर्घटना घटित हो सकती है तो एज ए पेरेंट एज ए गार्जियन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको हम अपने बच्चे और अपने समाज के बच्चों को इस तरह से वॉयलेट ना करने दें अमुन होता क्या है कि जब आप लोकल पुलिस में काम करते हो या ट्रैफिक पुलिस में काम करते हो आप किसी गाड़ी को डेंजरसली चला रहा है वन एट्टी फोर में बंद करना चाह रहे हो सपोज तो उसी गांव के मौजीज लोग आपके पास आ जाएंगे कोई ना कोई बात लेकर के कृपया करके इसको इस बार छोड़ दीजिए जी तो यदि आप उसको छोड़ देते हो तो आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि ये आगे चल के इसको किसी न किसी को ये दुर्घटना से घटित करेगा तो इसीलिए हम इस बात के लिए इस माध्यम से भी आप लोगों के माध्यम से भी दिल्ली की प्रदेश की जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में सबकी भलाई है जो चला रहा है उसके लिए भी जो पेडेस्टेरियन है उसके लिए भी क्योंकि आप लोगों ने एक सुना होगा कि कई बार ट्रैफिक में चलते वक्त आपकी अपनी गलती से नहीं बल्कि दूसरे किसी की गलती से आप दुर्घटना से घटित हो जाते हो तो सभी जब सीखेंगे तभी ये सुरक्षा की जो का जो आवरण है वातावरण है वो बढ़ेगा सर जिस हिसाब से केसेस बढ़े हैं इस तरह के वायलेशन के उस हिसाब आप से आपको लगता नहीं है कि एक तरफ तो चलान आपके हाथ में होता है कि जिस वक्त आप रोक लेते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ जो वो है वो केसेस बढ़ रहे हैं मतलब अदालतों के ऊपर एक बोझ भी बढ़ रहा है केसेस का जिस तरह से वो कोर्ट केसेस में जब बन जाता है और चला जाता है उसको कम करने के लिए उस तादाद को कम करने के लिए आप किस तरह से निपटारा करने की कोशिश करते हैं ताकि ये केसेस जो हैं वो कोर्ट में ना जाए नहीं जो रजिस्टर हो गया वो तो कोर्ट में जाएगा ही उसको रोकने की कुबत किसी पुलिस संस्था में नहीं है यदि कोई इस तरह की लीगल एक्ट नोटिस नोटिस में आ जाती है देन इट हैज टू तो बी डिसाइड बाय द ऑनरेबल कोर्ट जो ट्रैफिक पुलिस को शक्तियाँ दे रखी है भारत के संसद ने उसके हिसाब से हम प्रोजिक्यूशन करते हैं जैसे किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा तो हम उसको प्रोजिक्यूट कर देंगे सपोज़ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हम उसको प्रोजिक्यूट कर देंगे बट उसी मोटरसाइकिल सवार ने जिसमें हेलमेट नहीं पहन रखी और वो किसी को दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उसको चोट पहुँचा देता है और उसके बाद उसकी एमएलसी बन जाती है तब तो फिर मामला कोर्ट में जाना ही जाना है मैडम कोर्ट में आपने इन मामलों को कितना हल्का करने की कोशिश की गई है खासतौर से मैं देखता हूँ लोक अदालतों में ज्यादातर चलान के केसेस होते हैं तो आप लोग किस तरह से लोगों को वहाँ से निकालने में आ, लीगल मतलब लोगों की राइट्स की बात हो रही थी लीगल राइट्स की बात हो रही थी कोर्ट से किस तरह से हेल्प मिल रही है इस मामले में लोगों को जल्दी निपटारा हो रहा है लोक अदालत में सब ज्यादातर चलान ही होते हैं चलान केसेज ही होते हैं आजकल संडे को भी लोक अदालत रही है तो जितने भी मामले होते हैं वहां पर जल्दी निपटारे हो जाते हैं जो चलान में उनकी प्ली ऑफ बार्गेनिंग हो जाती है कुछ चलान कम करा लेते हैं माफी मांग के पर एक चीज होती है कि उनके जो आर और ये इनके डॉक्यूमेंट सीज कर लेते हैं उनसे उनमें एक डर हो जाता है कि अब बोला हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं हमारे साथ कुछ और भी हो सकता है कुछ और भी हो हाँ। सकता है यानी कहीं हाँ। ना कहीं एक थोड़ा सा डर का माहौल होना चाहिए ताकि अगर कोई वायलेट कर रहा है और उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसमें डर पैदा होना जरूरी है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल सर नमस्कार मेरा नाम अर्चना सिंह है मेरा सवाल सर से है सर आमतौर पर देखा जाता है जो पेडेस्ट के चलने का जो एक रास्ता होता है उस रास्ते को वेंडर्स एंड हॉकर ऑक्योपाइड कर लेते हैं अपना कोई ना कोई सामान बेचने के लिए जिसकी वजह से क्या होता है जो लोग होते हैं वो विवश हो जाते हैं फिर रोड पर चढ़ने के लिए तो सर उसको हटाने के लिए क्या प्रावधान है और वो कितना लागू होता है बहुत खूब जी सर इसमें जैसा मैडम ने कहा है इनक्रोचमेंट ऑन पेटेस्टेरियन तो इसके लिए बेसिकली एक ही प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यह है कि पुलिस खुद से ही इंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हटा सकती इसके लिए उसको सिविक एजेंसी की मदद की आवश्यकता होती है तो हम जहाँ भी इंक्रोचमेंट खुद से रिपोर्ट हमें पता चलता है ड्यूरिंग आवर एरिया पेट्रोलिंग ये लोकल पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो तो हम खुद से भी लिखते हैं जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उसको या फिर लैंड ओनिंग एजेंसी खुद की अपनी सर्वे के हिसाब से हमें लिखती है कि इस तारीख को इतने बजे हम ये इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोग्राम करेंगे तो इट गोज़ आइदर वे तो किसी भी तरीके से हो ये शेड्यूल्ड टाइम और शेड्यूल्ड डेट को लोकल पुलिस ट्रैफिक पुलिस और जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उनके प्रतिनिधि है पहुंचते हैं और एज़ पर लॉ उस इंक्रोचमेंट को वहां से रिमूव किया जाता है कई बार कोर्ट का आदेश भी होता है ऑनरेबल कोर्ट का और कई बार ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेज को जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोकल पुलिस ट्रैफिक पुलिस और जो लैंड ओनिंग एजेंसी है उस पर लगातार नजर रखती है कि कोई फर्दर इंक्रोचमेंट उस पर ना हो जाए उससे कम से कम कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो ज़रूर मिलती है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं शहरों में इंक्रोचमेंट की वजह से लोग इधर उधर निकलते हैं और उसमें एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे किनका सवाल है अगला मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ जामिया मिल् इस्लामिया से मेरा क्वेश्चन सर के लिए सर जैसा कि हम देखते हैं पुलिस की जो लाइफ होती है डेली जो रूटीन होता है काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है आप लोग की जॉब तो आप जो डील करते हैं सिविलियन से काफ़ी आपका रूड बिहेवियर रहता है आपके मतलब जो जूनियर्स होते हैं उनका तो आप इससे कैसे डील करते हैं उनको कैसे ट्रेन करते हैं काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है आप लोग के लिए तो आप कुछ के लिए कुछ काम करते हैं कि कैसे इनकी वर्क लाइफ और इनकी जो पर्सनल लाइफ है बैलेंस करते हैं आप अपने पुलिस। जी पुलिस। बड़ा बड़ा उमदा सवाल है सर कैसे इसके लिए, लिए दिल्ली पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है एट आवर्स शिफ्ट के लिए और आपको बताने में मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने इसको एडॉप्ट कर लिया है जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई और सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर हैं उनको कोशिश ये की जा रही है कि, कि किसी को भी आठ घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना करनी पड़े तो ये तो मैं आपको दूरदर्शन के माध्यम से इस बात के लिए सूचित कर रहा हूँ कि इसकी शुरुआत हो रखी है और इसको और आगे मजबूत किया जाएगा दूसरा पार्ट जो था आपके प्रश्न का कि रूड होते हैं तो ये एबरेशन है ये इन प्रिंसिपल नहीं है कि ये रूढ़ होते हैं कभी हो सकता है कि सौ केसेस हुए हैं उसमें से किसी एक ने या दो ने इस तरह से बात की हो जिसको कि रीजने अनरी उसको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाला चीज़ कुछ हो गया हो बट बेसिकली जो स्टाफ है वो कर्टियस होता है उसके पास बॉडी ऑन कैमरा होते हैं जो ऑलवेज ऑन होता है उसको पता है कि यदि उसने किसी अपशब्द का या किसी भी तरह के इलीगल बात को उसने आगे बढ़ाया तो वो खुद ही उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी तो ये आरोप को मैं बिल्कुल इसको बेबुनियाद मानता हूँ आपके कि कर्टियस नहीं होते और बहुत शिष्टाचार होता है और बहुत ही सीट ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं और इसको और अच्छा करने की पूरी कोशिश की जाती रही और की जाती रहेगी जी और अच्छा करने की कोशिश की जाती रही और की जाती रहेगी इसी के साथ आज की इस पेशकश को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा और इसी प्रोग्राम के साथ आज हमारे 50 एपिसोड भी मुकम्मल हो गए हैं उसके लिए आप सभी को और हमारे आज के मेहमानों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद डी डी उर्दू की पूरी टीम को मुबारकबाद और ये आज जो हमारा सफर यहाँ पचास एपिसोड तक पहुँचा है ये ऐसे ही नहीं पहुँचा यहाँ कैमरे के पीछे की हमारी पूरी टीम हमारे तमाम अधिकारी राहुल महाजन जी से लेकर के विनोद जी से लेकर के राहुल बाघरी जी और हमारे कैमरा पर्सन पूरी टीम पीसीआर की पूरी टीम सभी लोगों ने जो अब तक सहयोग दिया है ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी डीडी उर्दू की टीम और पूरे दूरदर्शन को इस पेशकश के लिए और आज के पचास एपिसोड मुकम्मल होने के लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हम आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं आप सभी के शुक्रिया के साथ तमाम स्टूडेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ तब तक के लिए हमारी पूरी को आप दे दीजिए इजाजत आधा